गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। सो एज यू ऑल नो, करेंटली अवर सेकेंड यूनिट इज गोइंग ऑन, एंड इन द सेकेंड यूनिट वी हैड लास्ट टाइम डन पॉलिटिकल एनवायरमेंट, राइट? हमने डिटेल में पढ़ा था वॉट इज पॉलिटिकल एनवायरमेंट। ऑन द सेम लाइन्स टूडे वी हैव टू स्टडी वॉट इज इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ठीक है? सी एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, सो बेसिकली आई एम श्योर सब लोगों ने इकोनॉमिक्स एंड ऑल पढ़ा ही है, सो उसमें क्या सब आता है उसकी बात हो रही है, ठीक है? सो जस्ट ओके, आई जस्ट जूम इन सो दैट यू ऑल कैन सी क्लियरली। यस, सी वॉट इट्स रिटन, इकोनॉमिक ट्रेंड्स। सो अगर आप बात करो इकोनॉमिक ट्रेंड्स की स्टूडेंट्स, सो मैं आपको बताऊँ बेसिकली, सी यू नो इकोनॉमिक ट्रेंड्स मतलब रिसेशन, डिप्रेशन, आई कैन से गुड टाइम्स, बेसिकली क्या मतलब होता है? इफ आई टॉक टू यू अबाउट इन्फ्लेशन, ओके, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज, आई मीन दीज आर द जनरल इकोनॉमिक टर्म्स यू शुड नो, राइट? सो प्राइस राइज कब होता है, मतलब प्राइजेस बढ़ते कब है? जब इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी होती है तब, राइट? एंड एट द सेम टाइम डिप्रेशन की अगर हम बात करें या तो रिसेशन, मतलब क्या, जब बुरे टाइम्स चल रहे हैं, ओके? नाउ आई एम नॉट गेटिंग मच इनटू इकोनॉमिक्स की ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता है, देर आर मेनी रीजंस इन्वॉल्व। मतलब ट्रेंड्स मतलब वही, इसी आप लोगों ने ग्राफ देखा ही होगा, ग्राफ कैसे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है, राइट? तो सेम वे मैं ट्रेंड्स की भी बात करूँ तो यू नो आते हैं और जाते हैं, आई मीन गुड टाइम्स बैड टाइम्स कम एंड गो, ठीक है? तो अभी हमें ये बिजनेस के लिए समझना होगा। अब ये तो आसानी सी बात है, जब इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज चल रहा है, मतलब यू नो इट कैन हैपन बोथ वे। कई बार यू नो इन्फ्लेशन में बिजनेसेस को बहुत फायदा हो जाता है, राइट? बिकॉज सब लोगों का परचेजिंग पावर एंड ऑल काफी अच्छा हो जाता है। अगर मैं आप बात करूँ रिसेशन की, मतलब ये टाइम पे व्हाट हैपेंस इज परचेजिंग पावर, इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड बेसिकली, ओके? सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर इज यू नो कंपनीज को कॉस्ट कटिंग करना पड़ता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कॉस्ट कटिंग, देर विल बी मेनी वेज, राइट? कई बार एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं, आपको पता ही होगा, हम बोलते हैं ना रिसेशन टाइम पे जॉब्स काफ़ी कम हुआ करती है, इसका बेसिक मीनिंग यही हो जाता है, जॉब्स कम होना मतलब वही कि यू नो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मार्केट में नहीं है, ठीक है? ओके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाइक इन्फ्लेशन, वेजेस ग्रोथ, जीडीपी, जीएनपी, ओके स्टूडेंट्स? नाउ अभी मैं आपको ब्रीफ में समझा रही हूँ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब इकोनॉमी कब स्टेबल रहती है, जब इन्फ्लेशन हो। मैंने अभी आपको कहा इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज, मींस क्या आपकी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है, यू नो टेक अ कंट्री लाइक यूएस स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, उसमें अगर आप देखो नॉर्मली वहाँ पे आपको सब महंगा मिलता है, राइट? वाई? बिकॉज ओवर देयर पीपल कैन अफोर्ड ऑल्सो, वो कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री है अनलाइक अवर्स, ओके? सो मैं आपको वही बोल रही थी इन्फ्लेशन, तो आई मीन ये टाइम पे इसलिए आप देखो वहाँ पे जो भी बिजनेसेस होते हैं एप्पल एंड ऑल काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लाइक बिकॉज सी उसमें ही आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपको अगेन मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रही हूँ, इसमें यू नो आपको ये सब नहीं समझना है, मैं आपको इसके थ्रू यही बोल रही थी कि पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान कितना कमा रहा है, ओके? अगर ओवरऑल आप इंडिया का देखो इट इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब मैं वही बोल रही हूँ इंडिया में एक तो पॉपुलेशन इतना है, राइट? सामने अगर आप देखो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं अच्छी है, तो मैं आपको इसमें बेसिकली यही बोलना चाहती थी ओवर हियर इज यू नो आफ्टर ऑल वी हैव टू मेक श्योर कि इकोनॉमी जब अच्छी हो। सी आई विल टेल यू, इंडिया में भी अगर आप देखो यू विल आस्क मी कि मैम सबको क्यों बिजनेस इंडिया में ही करना है, द सिंपल रीजन इज नॉट बिकॉज हमारा जीडीपी एंड ऑल अच्छा है, मेन रीजन इज पॉपुलेशन। आई मीन सी एक बड़ा पॉपुलेशन होता है ना तब कोई भी चीज आसानी से बिक जाती है, राइट? तो मैं आपको इसमें बेसिकली यही समझाना चाहती थी।
वेजेस ग्रोथ मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, मतलब कंपनी में कितना प्रोग्रेस हो रहा है, वेज ग्रोथ मतलब कितनी लोगों की सैलरी बढ़नी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, आई एम गिविंग यू अ रफ फिगर, ओके, कि अभी आज आप कंपनी में हो, टुमारो योर सैलरी इज इंक्रीजिंग बाय 10%, ओके, तो ये 10% कौन डिसाइड करता है? आइडियली द इकोनॉमी। सी, अगर आप मुंबई में देखो स्पेशली, अगर हम यू नो मुंबई की बात करें, यहाँ पे इट इज ऑलवेज अ चैलेंज, राइट? बिकॉज यहाँ पे आप देखो, एक तो महंगाई इतनी बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई, ओके, उसके अलावा आप कुछ भी खरीदने जाते हो, डेली थिंग्स, वो सब महंगे होते, आई मीन इकोनॉमी वही सब फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। वेर एज इफ यू सी, अगर यू नो आप गांव में भी जाते हो, वहाँ पे सब कुछ हमें सस्ता मिल जाता है, राइट? बिकॉज वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है, देयर आर मेनी फैक्टर्स। सो आई मीन बिजनेसेस भी जो है उन्हें ये चीजें काफी ज्यादा हद तक अफेक्ट करती हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, इफ यू सी एक्सचेंज रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो सी, अगर यहाँ पे एक्सचेंज रेट्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स, सो आपको समझ में आया ही होगा, दिस इज नाउ रिलेटेड टू इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है? तो आई मीन एक्सचेंज रेट मतलब, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, करंटली अप्रॉक्सीमेट बोल रही हूँ, ओके, बिकॉज ये रेट एवरी डे इट कीप्स ऑन चेंजिंग। द वैल्यू ऑफ वन यूएस डॉलर, एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 70 INR, इंडियन रुपीज, राइट? मतलब आप देखो, एक डॉलर की वैल्यू इज 70 रुपीज। नाउ कई बार आप लोग ये भी सोचते होगे, राइट, कि मैम ये डिसाइड कौन करता है, कि कई बार पहले, कुछ साल पहले आई टेल यू, ये प्राइस 50 हुआ करती थी, 50। अभी इतना ज्यादा गैप हो रहा है हम लोग का, राइट? आइडियली इट इज नॉट अ गुड साइन। तो मैं आपको इसमें यही समझाना चाहती, यू पीपल विल आस्क मी कि मैम ये सब डिसाइड करता है, सो आइडियली इट इज इकोनॉमी। सो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो लोग नॉर्मली इकोनॉमिस्ट होते हैं, राइट? वही लोग ये सब डिसीजंस लेते हैं, मतलब व्हाट दे ट्राई टू सी इज यू नो इंडिया का ग्रोथ कितना है, ओके, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। सो सी फॉर एग्जांपल, अगर आप देखो, कल इफ यू गो टू अ कंट्री लाइक पाकिस्तान और नेपाल, तो हमसे भी पीछे, तो डेफिनेटली वहाँ के जो एक्सचेंज रेट्स होंगे उनके प्राइस हमसे भी कम होगा, राइट? मतलब आई मीन ये कितना गैप होना चाहिए, कितना मार्जिन, इकोनॉमिक्स ये सब डिसाइड करता है। तो सी, इसलिए अगर आप देखो, यू नो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, इंडिया इज नॉट अ ग्रेट मार्केट फॉर लग्जरी कार्स, राइट? नो डाउट यहाँ पे कुछ लोग लेते हैं, बट आप देखो, आई हैव सीन इवन माई कजिन्स इन US, आई मीन दे हैव अ गुड जॉब देयर, दे कैन अफोर्ड अ मर्सिडीज, बट मैं वही बोल रही हूँ, उनकी जॉब कर रहे हैं वो लोग। यहाँ पे यू कैन नॉट इमेजिन एनी नॉर्मल सर्विस क्लास पर्सन टू बी ओनिंग अ मर्सिडीज, राइट? आई मीन क्यों, वहाँ का लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट है, ओके? तो इसलिए बिजनेसेस को ऐसे इकोनॉमिक्स अफेक्ट करता है, राइट? करंटली इफ आई गिव यू द बेस्ट एग्जांपल, कोरोना वायरस की बातें हो रही है सभी जगह पे, राइट? वो है ही, अगर आप देखो तो, बिकॉज ऑफ वन पैंडेमिक, इतने सालों में आप देखो, जग से मैं पैदा हुई हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा है, राइट? आई मीन आप देखो, इनफैक्ट आप ये हिस्ट्री में आ जाएगा, आप देखो मुंबई लोकल ट्रेन्स कभी बंद हुए है क्या? कुछ भी फेस्टिवल कुछ भी हो गया, पहली बार ऐसा हुआ है कि यू नो इतने टाइम तक एयरलाइंस इतनी ग्राउंडेड रही। मैं आपको बेसिकली इसमें यही समझाना चाहती थी, ओवर ईयर आप देखो इकोनॉमी में, आई मीन कैसे ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इकोनॉमी को, राइट? एंड इससे आप देखो, ये कोरोना वायरस तो एक वायरस था, बट इसके वजह से सब इकोनॉमीज, इफ यू पीपल, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू इन्वेस्ट इन शेयर्स और नॉट, मार्च अप्रैल में शेयर्स के प्राइस इतने डाउन हो गए थे, ओके? सी मतलब इकोनॉमी इट्स अनस्टेबल, ये कोरोना वायरस एंड ऑल कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, राइट? बीच में अगर आपको याद हो, व्हेन यू हैड स्टडीड हिस्ट्री, अमेरिका में डिप्रेशन आया था, ओके? तो आई मीन वो इंडिया को भी काफी हद तक अफेक्ट हुआ था। अभी भी अगर आप देखो, यूएस के न्यूज अगर आप पढ़ते हो, वीजा एंड ऑल काफी रेस्ट्रिक्शंस हो गए, आई मीन काफी लॉस आ रहे हैं, ठीक है? तो आई मीन उसमें अल्टीमेटली इंडिया को भी अफेक्ट होता ही है, बिकॉज मैंने आपको बोला था यूएस एंड ऑल हमारा आईटी हब है, ओके? तो वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे भी जो बिजनेस है सबको प्रॉब्लम होने ही वाला है, ठीक है? इट वर्क्स वेरी मच लाइक दैट।
नेक्स्ट वन ट्रेड अग्रीमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट सी, ये भी इंटरनेशनल मार्केट की बात हो रही है। आप देखो करंटली, आई डोंट नो आप लोगों ने वो पढ़ा कि नहीं, जस्ट लेट मी सी, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है, उन्होंने चाइना के अगेंस्ट काफी कुछ कहा है। डू यू पीपल नो अबाउट इट, फर्स्ट टेल मी और नो? आई मीन क्या हुआ है, आप लोग न्यूज पढ़ रहे हो कि नहीं? इनफैक्ट ये नई बात नहीं है, इट हैपन्ड ऑलमोस्ट इन अप्रैल मई में ही हुआ था, कुछ नया नहीं है इसमें। आप लोगों ने वो पढ़ा है कि नहीं? आई जस्ट वॉन्ट टू सी दैट क्या हो रहा है। हाँ, किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हो। क्या हुआ था बेसिकली, वॉट ही टोल्ड, किसी को कुछ पता है? आई मीन कैन एनी वन राइट इट इन शॉर्ट इन द चैट बॉक्स एंड टेल मी क्या हुआ था? या तो नहीं पता है, पता है तो यस बोलो, नहीं पता है तो नो बोलो, तो मैं तुम्हें समझाऊंगी क्या हुआ था। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अनलेस आपको कुछ बोलना है तो ही आप अनम्यूट करो। हाँ ओके, आंसर्स हैव स्टार्टेड कमिंग इन। वेरी गुड हर्ष, एब्सोल्युटली सी, बेसिकली व्हाट हर्ष हैज टोल्ड इज कि सब उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे चाइना के साथ कैंसल कर दिए थे, दैट इज राइट। सी, मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी, बेसिकली आपको पता ही है कोरोना वायरस, ये जो वायरस है इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना, राइट? एंड क्या हुआ था बेसिकली इज, तो एंड आपको अगर पता ही हो वो टाइम में, मार्च अप्रैल में की बात हो रही है, यूएस में सबसे ज्यादा लोग मर रहे थे बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 1 लाख, आई मीन आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने डेड्स, आई हैव नॉट फॉलोड अप नाउ, बट वो टाइम पे इटली स्पेन ये सबको ओवरकम कर दिया था यूएस ने। ओके, तो मैं आपको इसके थ्रू यही बेसिकली बताना चाहती थी। सो आई मीन यू नो डोनाल्ड ट्रम्प द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, वॉट ही सेड इज यू नो कि चाइना शुड हैव आइडियली वॉर्न्ड अस कि ऐसा कुछ होने वाला था या ऐसा कुछ। एंड बेसिकली WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी यू नो काफी लेट डिक्लेयर किया ये चीज कि यू नो इतना हार्मफुल ये वायरस हो सकता है। ओके, सो आई मीन बेसिकली यूएस ने अपना जो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ फंडिंग था, टोटली बंद कर दिया। ओके, तो बेसिकली आई एम नॉट गेटिंग मच इन टू डिटेल नाउ, मैं आपको इसमें यही बताना चाहती थी ओवर हियर इज, किसी ट्रेड अग्रीमेंट्स मतलब क्या होता है कि कौन सा कंट्री किसके साथ ट्रेड करेगा। ओके, सो करंटली अगर आप देखो, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन, आई मीन यू नो यूएस ने क्या डिक्लेयर किया कि चाइना से कोई भी प्रोडक्ट्स वो लोग अब नहीं लेंगे। ओके, एंड एट द सेम टाइम यूएस के हाथ में होता है वो कौन से सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटीज उनके कंट्री में मिले जॉब करने की। सो आई मीन सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे रिलेशंस बिगड़ जाते हैं सबके, राइट? तो वही मैं आपको बोल रही थी, इकोनॉमी मतलब ट्रेड अग्रीमेंट्स मतलब यू नो, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट, अभी आप देखो इंडिया एंड चाइना के बीच में भी काफी प्रॉब्लम चल रहे हैं रिगार्डिंग अवर एरिया, राइट? तो इसमें भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं व्हाट हैज नॉर्मली हैपेंड इज, इंडिया चाइना में बीच में आपको पता ही था, इवन वी ऑल हैड बैंड अवर गुड्स, राइट? उसमें वो भी आया था कि वीवो एंड ऑल वो लोग, IPL जब स्टार्ट हो रही है तो वो लोग बेसिकली यू नो दे वो स्पॉन्सर नहीं रहेंगे। आई मीन लोगों को इतना गुस्सा था बिकॉज दे आर चाइनीज कंपनीज आफ्टर ऑल, राइट? मतलब आप देखो इकोनॉमी की कंडीशन ऐसे होती है तो आई मीन लोगों को, बिजनेसेस को भी कितना अफेक्ट होता है। यस, एंड सी मैं आपको जो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू राइट। ओके, सो ट्रेड अग्रीमेंट्स मतलब वही सब कंट्रीज के बीच में क्या अग्रीमेंट्स बन रहे उसकी बात हो रही है। ओके, यस, द नेक्स्ट वन इज सीजनालिटी एंड इकोनॉमिक साइकल्स। ओके स्टूडेंट्स, ना अगर मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊँ, सी सीजन मतलब क्या? सो फॉर एग्जाम्पल हम सबको पता ही है कि एवरी ईयर ऑलमोस्ट जून में बारिश की सीजन स्टार्ट होती है, राइट?
तो इकोनॉमिक साइकिल मतलब वो सीजन की जो साइकिल है, हमने स्कूल में ही पढ़ा था, इट कीप्स ऑन रिपीटिंग. फिर आप देखो आफ्टर 4 मंथ्स, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद विंटर विल स्टार्ट. ओके, नाउ इन सम टाइम. तो मैं आपको वही बोल रही थी, आफ्टर दिवाली. तो मैं आपको यही बोल रही थी, इसमें सेम डे, फॉर एग्जाम्पल यू नो आई हैव सीन, अगर आप यू नो जो इकोनॉमिस्ट होते, कई बार कंट्री में ये यू नो इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये सब साइकिल्स होते. ओके, लाइक सी कोरोना वायरस जैसे पेंडेमिक की बात नहीं कर रही हूँ जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, मैं उसकी बात कर रही हूँ बेसिकली ओवर ईयर इज, जो यू नो कई बार ऐसे उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, राइट. तो कई बार अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सम थिंग्स ऑलवेज आर अबाउट टू हैपन. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आप देखो इकोनॉमी में भी कभी अच्छा पीरियड चलता है, कभी बुरा चलता है. तो मैं आपको उसमें यहाँ पे यही बेसिकली समझा रही थी, सेम थिंग आई वांटेड टू टेल यू ओवर हियर, कि कई बार यू नो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिजनेसेस में भी आपको पता ही है, लाइक गिविंग यू एन एग्जाम्पल, गोदरेज एंड ऑल, ये जो कंपनीज थी, आई मीन कंपनीज है, सॉरी, ओके, इनकी अगर हम बात करें तो फॉर देम ये एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, आप लोग ही मुझे बताओ लोग कब सबसे ज्यादा खरीदने वाले हैं? दिवाली टाइम, फेस्टिवल टाइम, राइट, बिकॉज वो टाइम के सबके पास पैसा होता है खर्चा करने के लिए. तो मैं इसमें आपको बेसिकली यही बोलना चाहती थी कि यू नो कंपनीज भी ये सब चीजें समझती है, यू नो उनकी साइकिल कैसी होती है बेसिकली, यू नो कई बार अच्छा होता है, कई बार नहीं अच्छा होता है. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. एनी वन हैज एनी डाउट्स टिल नाउ? इकोनॉमिक एनवायरमेंट में अभी हमारे सिर्फ अब 2 पॉइंट्स ही रह गए हैं. प्लीज आस्क मी अगर कुछ नहीं समझा हो तो. ओके, फाइन, थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग. विल फिनिश विद दीज 2 पॉइंट्स. इसके बाद टाइम रहता है मैं आपको वीडियो भी दिखाना चाहती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, यस, सो सी, देखो आगे क्या लिखा है. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस. सी इसका क्या मीनिंग हो जाता है, कस्टमर का कौन, सी कंज्यूमर कौन होता है बेसिकली, जो आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपके हम जो कस्टमर्स बोलते हैं वो, राइट. सो अभी हम अगर कंज्यूमर, कस्टमर के कॉन्फिडेंस की बात करें, तो इसमें इफ आई गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल, ओके, तो सी कई बार क्या हो जाता है, आप देखो, आई मीन एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो, अभी कोरोना वायरस इतना चला है, वी ऑल नो सम ऑफ द अदर डे इट इज गोइंग टू एंड, ओके. बट अगर मैं आपको अभी बात करूँ ये टाइम की, दिवाली स्पेशली, आई मीन आप लोग मुझे बताओ, इन जनरल मैं आपको पूछ रही हूँ, क्या ये टाइम पे लोग दिवाली में उतना स्पेंडिंग करने वाले हैं? जस्ट आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन, लाइक एवरी ईयर वी रिमेम्बर, राइट, दिवाली पे नए कपड़े खरीदने हैं, ये वो ऑल ऑफ दैट. बट आप मुझे बताओ क्या ये टाइम पे इतना खर्चा लोग करने वाले हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स? क्यों नहीं करेंगे? वॉट इज द रीजन, क्या रीजन है? डेफिनेटली आप ही मुझे बताओ. यस, आई मीन कोरोना तो है ही, बट रीजन क्या है? पे कट्स हो रहे हैं, जॉब्स जा रही है, यस और नो? एब्सोल्युटली राइट हर्ष, लोगों के पास इनकम ही नहीं है, राइट. तो वही मैं आपको बता रही थी, कस्टमर कॉन्फिडेंस, व्हाट आई मीन टू से, नॉर्मली यू नो ये जब अगर मैं बताऊँ रिसेशन का पीरियड खत्म हो जाता है ना, तो कोई भी कस्टमर तुरंत नहीं, उसमें वो कॉन्फिडेंस आ जाता है. आप लोग खुद ही बताओ, ओके, अगर कोई महंगी चीज खरीदनी है तो आई मीन वो डर हमारे माइंड में रहता ही है, राइट, कि ये कोरोना वायरस हुआ था, सबको इतना लॉस हुआ था. ओके, तो सेम चीज मैं आपको आई वांटेड टू टेल यू ओवर हियर इज, कि कस्टमर कॉन्फिडेंस, आई मीन उसमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बेसिकली यू नो उसका स्पेंडिंग पावर, लाइक आई टेल यू स्टूडेंट, स्टिल अगर आप देखो इंडिया में एसी, टीवी, फ्रिज,
दीज ऑल आर कंसिडर्ड अ लग्जरी ओके फॉर मेनी पीपल. लाइक आसान नहीं होता है वो फॉर मेनी पीपल टू इवन एफोर्ड इट. ओके आई मीन नॉर्मल मिडल क्लास पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ. ओके सो मैं आपको इसमें यही समझा रही थी, कस्टमर कॉन्फिडेंस मतलब उसका स्पेंडिंग पावर, वो कितना खर्चा कर सकता है, उसे कितना कॉन्फिडेंस है रादर. ओके यस आप देखो लास्ट पॉइंट, कंज्यूमर परचेजिंग पावर मतलब डिस्क्रिशनरी इनकम. सी मतलब आप देखो करेंटली करेंट सिचुएशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल राइट. तो मैं आपको इसमें यही समझाना चाह रही थी ओवर हियर कि सी लग्जरी स्पेशली जो लग्जरी कार्स है, इवन गोल्ड की अगर आप बात करो ओके ये टाइम पे गोल्ड में भी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा चल रहा था. इनफैक्ट आई हैड हर्ड अभी ये अक्टूबर नवंबर जो लास्ट का 3 क्वार्टर होगा ओके अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसमें प्रॉपर्टी के प्राइसेस काफी कम होने वाले राइट. बिकॉज प्रॉपर्टी इज डेफिनेटली इट्स नॉट अ केक कि हमने जाके खरीद लिया राइट. आई मीन क्या अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज बिल्डर्स के पास भी, वो लोग को भी पैसे आफ्टर ऑल चाहिए राइट टू डू द बिजनेस. एंड बेसिकली वही मैं आपको बोल रही थी. तो आई मीन्स ऐसा नहीं है कि सब सबको इफेक्ट होता है राइट. आप देखो फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ. आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो बेसिकली इफ यू सी थाईलैंड एंड सम अदर कंट्रीज, वहाँ पे अगर आप देखो इट्स अ टूरिस्ट कंट्री राइट. तो अभी कोरोना वायरस की वजह से वहाँ टूरिज्म तो बंद है ही. तो मैं आपको इसमें आपको क्या बेसिकली व्हाट आई वाज मेंट टू टेल यू हियर इज यू नो, वहाँ का एक वीडियो था, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे मंकीज काफी ज्यादा होते हैं राइट स्टूडेंट्स. तो आई मीन नॉर्मली टूरिस्ट टाइम पे हम देखो हम भी कहीं जा रहे हैं, हमें मंकी दिख गया, हम उसे खाना दे देते हैं राइट. वो मैं वीडियो क्यों वो वायरल हुआ था बेसिकली बिकॉज एक बनाना एक केले के लिए सब मंकीज, एक केला था ओके एंड ऑल ऑफ देम इतने हंड्रेड्स ऑफ मंकीज आके फाइट कर रहे थे. मतलब मैं आपको वही बोल रही थी लास्ट टाइम आई वॉज टॉकिंग अबाउट CSR एंड ऑल. मतलब देखो बेसिकली यू नो ये पैंडेमिक की वजह से सबको कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ है, येस और नो राइट. तो सेम वे मैं आपको वही इसमें बताना चाहती थी. ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर नाउ, इकोनॉमिक्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है. एनी वन हैज एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी नाउ. किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो पूछना है प्लीज आस्क मी. ग्रेट ओके सो बिफोर आई शो यू द वीडियो एंड ऑल आई विल टाइप योर असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. ठीक है जस्ट गिव मी अ मिनट. यस अतुल ही बोल रहा है, बाकी सबको समझा कि नहीं. ओके सी दिस इज योर क्वेश्चन फॉर टुडे, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ओके इसमें एक ऐड करना भूल गई अलोंग विथ एग्जाम्पल्स. ठीक है ये तो आप सब लोगों को पता ही है, बाय डिफॉल्ट मेरे लेक्चर्स जो भी होते हैं इट इज अज्यूम्ड आपको एग्जाम्पल्स देने ही है राइट स्टूडेंट्स. ओके फाइन सो अभी आई एक्चुअली वॉन्टेड टू स्टार्ट विथ दिस बट एनी वे अभी यू नो टाइम कम है. सो वॉट आई डू इज आज मैं आपको दो या तीन वीडियोज दिखाती हूँ. ओके स्टूडेंट ये जो ST सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट विल डू टूमोरो. ओके बिकॉज ये काफी छोटा है, कल दोनों हम एक साथ कर लेंगे. ठीक है या सो अभी आप लोग वीडियो देखना व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू. ओके ओके जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके कैन आई स्टॉप शेयरिंग दिस नाउ. ऑलरेडी ये आपके ग्रुप पे मेरे सब PPTs एंड ऑल पहले से ही मैंने शेयर करके रखा है राइट. या सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ.
मैं आपको अब एक वीडियो दिखा रही हूँ टू सम अप व्हाट वी डिड टुडे। जस्ट गिव मी अ मिनट, माय फोन इज अ बिट स्लो इसलिए इतना टाइम लग रहा है। लेट मी कम बैक टू द जूम मीटिंग, मेरा वीडियो ऑन करो। ग्रेट, ओके। नाउ आई गो टू यूट्यूब इफ पॉसिबल। यू नो मैं वही चाहती हूँ, आई मीन स्टार्टिंग में मैंने नहीं किया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, राइट? बट अभी मैं एवरी लेक्चर आई विल डू इट बेसिकली, ठीक है? बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है कि मैं आप लोगों को वीडियोज बताऊँ, राइट? ओके, यूट्यूब। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, माय यूट्यूब इज लोडिंग, सो टाइम लग रहा है। ओके, नाउ लेट मी टाइप। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, लेट मी ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। क्या हुआ? एनी वन हैज एनी प्रॉब्लम? लेट मी स्किप द वीडियो। आपको शायद ये सुनाई नहीं देगा, इसलिए आई विल ट्रांसलेट इट फॉर यू। ओके, दैट इज वॉट दे हैव टोल्ड यू, इज नॉट नेसेसरी इट विल अप्लाई टू ऑल बिजनेसेस। ओके स्टूडेंट, सो सी, इससे ही मुझे अच्छा एग्जाम्पल याद आ गया। अगर मैं आप लोगों को ये चीज बोलती हूँ, राइट, टेक अ एग्जाम्पल ऑफ समथिंग लाइक ग्रोसरी, बिग बाजार, डी मार्ट का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? तो अगर मैं ये लोगों की बात करूँ, आप लोग मुझे बताओ, ये लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, भले ही इनका यू नो रिसेशन हो, बिकॉज खाने की जो चीज होते हैं, लोग जो होते हैं खरीद नहीं वाले बेसिकली, राइट? तो वही मैं आप लोगों को समझा रही थी। इन जनरल मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ वो है, ठीक है? अदरवाइज सब बिजनेसेस की अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, फाइन? सो ओके, लेट मी गो बैक टू द वीडियो नाउ। एंड सी, सम टोल्ड इन बिटवीन कुछ बोल रहा था इंटरप्ट करके, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन माय सेशन प्लीज आप लोग मत बैठो, ठीक है? आई एम नॉट फोर्सिंग एनी वन टू। ओके, लेट मी शेयर द वीडियो, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, दिस वॉज द स्लाइड। ओके, सॉरी, अ लॉट ऑफ एड्स आर कमिंग अप, आई कांट इग्नोर इट, ठीक है?
दिस इज योर क्वेश्चन फॉर टुडे, राइट? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सी, डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या? जो इनकम हम स्पेंड कर सकते, ओके? डिस्पोज करना मतलब हमारे पास उतने पैसे है टू स्पेंड का, तो ओके? अब देखो, इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम काफी कम है लोगों का एज कंपेयर टू पीपल इन यूएस, राइट? मतलब देखो, सब टैक्स एंड ऑल डिडक्ट करके हमारे पास कितना पैसा रहता है इन हैंड, ओके? पता ही है, लोग लोग जॉब करते हैं तो टैक्सेस भी हम काफी के पे करने पड़ते, राइट? मतलब व्हाट इज सेइंग इज नेसेसिटीज, डेफिनेटली पीपल पहले नेसेसिटीज पे ही खर्चा करेंगे, राइट? उसके बाद ही लग्जरी पे खर्चा होगा. नाउ इफ यू नॉर्मली सी, अगर इकोनॉमी की कंडीशन, बोथ ऑफ द पीपल इन आवर हाउस वर्क, राइट? वाइफ भी काम करती है, हस्बैंड भी. सो आई मीन इनकम बढ़ गई है लोगों की, दैट इज व्हाट इज सेड हियर. इसलिए आप देखो, यू नो, इंडिया में इतनी कॉस्मेटिक कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है, कार्स भी, अब सब लोग कार्स भी खरीद रहे हैं काफी रेट में, राइट? यस, मतलब नेसेसिटी के अलावा भी अब लोग, आप देखो, सब लोग होटल्स रेस्टोरेंट्स भी जाते हैं. यस, व्हाई? बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया है लोगों का, दैट इज व्हाट इज सेड हियर. इंटरेस्ट रेट सबको पता ही है, राइट? व्हाट इट इज, तो फॉर एग्जाम्पल हमें अगर बैंक से लोन लेनी है, ओके, वो हमें एडवांस में पैसे दे रहे हैं, तो दे आर चार्जिंग अ सर्टेन रेट एक्स्ट्रा जो हमें उन्हें देना पड़ता है, राइट? सो वो जो इंटरेस्ट रेट, जो परसेंटेज होता है, वो भी टोटली डिपेंड करता है कि इनको इकोनॉमी की क्या हमारी कंडीशन है, क्या सब फैक्टर्स है, ठीक है? नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेशन रेट. इन्फ्लेशन रेट की अगर मैं बात करूंगी तो महंगाई कितनी स्पीड से बढ़ रही है. यू नो स्टूडेंट्स, TYBBI में ही आपको नेक्स्ट टर्म में एक सब्जेक्ट आएगा सेंट्रल बैंकिंग करके, ओके? उसमें आपको ये सब डिटेल में समझ में आएगा, लेकिन इसमें एकदम डिटेल में आप लोगों को बताया गया है कि कि इकोनॉमी बुरी होती है तब गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, RBI का, दैट ऑल ऑफ दैट इज एक्सप्लेन टू यू. मतलब सी, बेसिकली यू नो, टेलिंग अबाउट दिस ओनली, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो हम जो लोग लेते हैं तो उससे भी सब इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन ही वही डिसाइड कर पाती है बेसिकली, ठीक है? दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग. देन इन्फ्लेशन मतलब कितनी महंगाई बढ़ रही है. आप देखो, करेंसी, यू नो, गो फॉर एनी थिंग, ओके? सब कुछ हम बोलते हैं ना घर पे हमेशा, कितनी महंगाई हो गई है, राइट? मतलब ये रेट, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, आप देखो, गवर्नर्स भी होते हैं ना, जैसे रघुराम राजन एंड ऑल, दे आर द वंस हु डिसाइड द इन्फ्लेशन रेट क्या होना चाहिए, ओके? दिस इज लाइक सॉर्ट ऑफ बैलेंसिंग द इकोनॉमी. मैंने आपको ये बोला था कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे अगर पापा ने बहुत एक महीने में पैसा कमा के लाया है, तो हम लोग क्या पूरा पैसा उड़ा देंगे? नो, सेविंग करेंगे, राइट? एंड एट द सेम टाइम, एक आध महीने में पैसों का प्रॉब्लम है, व्हाट वी विल आइडियली डू इज, यू नो, वो जो सेविंग किया था ऐसे टाइम पे हमें यूज आता है, दैट इज व्हाट इज टेलिंग. वैल्यू ऑफ रूपी, इसमें इट इज नथिंग बट दोज एक्सचेंज रेट, मैंने आपको जिसके बारे में बताया था, राइट? मतलब आप देखो, इंडिया यूएस, हमारा जो करेंसी डिफरेंस का गैप है बढ़ते जा रहा है, राइट? वही बेसिकली बोला है. स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, सी स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट ओवर हियर, लेट मी स्टॉप शेयरिंग नाउ. हाँ, मैं आपको बेसिकली